हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में अरोही अष्टमी मनाई जाती। इस बार यह व्रत 24 अक्टूबर को पड़ रहा है। अरोही अष्टमी एक बहुत महत्वपूर्ण ही त्यौहार है जो परंपरागत मनाया जाता है, जो अपने बच्चों के स्वास्थ्य समृद्धि और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए माताएं दिन भर के व्रत रखती हैं। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 24 अक्टूबर 2024 को 1:18 AM पे शुरू हो रहा है। अष्टमी तिथि समापन 25 अक्टूबर 2024 को 1:58 AM बजे समाप्त हो रहा है। अरोही अष्टमी पूजा मुहूर्त 5:25 PM से 7:02 PM अवधि 1:17 रहेगी। अरोही अष्टमी के दिन चंद्र उदय का समय 11:55 PM पर है। तारों को देखने के लिए शाम का समय 6:10 PM का है। अरोही अष्टमी पूजा विधि, अरोही पर दीवार पर अरोही माता की तस्वीर बनाना है। इसके बाद कलश में जल भरकर माताएं अरोही अष्टमी व्रत कथा श्रवण करती हैं। अरोही माता को पूरी और मिठाई का भोग लगाया जाता है। इसके बाद रात में तारे को अर्घ देकर संतान की लंबी उम्र और सुखद जीवन की कामना करने के लिए बाद अन्न ग्रहण किया जाए। इसके बाद सास या घर की बुजुर्ग महिला को उपहार के तौर पर कपड़े दिए जाते हैं। अरोही व्रत कथा, प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल में मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्याहू स्याह ही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी के खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हें कोख बांधने का श्राप देती हूँ। साहूकार की बेटी यह बात सुनकर अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। 7 सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। साहूकार की इस कि 7 सबसे छोटी भाभी जो रहती है अपनी कोख बंधवा लेती है। वहीं सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होकर होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंख के बच्चे को डसने जा रहा है, इसलिए वह सांप को मानती है। इतने में गरुड़ पंखी वहां आ जाता है और खून से देख उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंक्षी इस बात पर खुश होता है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देता है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसके 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद दे। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्रवधुओं से भर जाता है। आरोही अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है कि अन्न होनी को होनी बनना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने करके दिखा दिया है। दूसरी कथा, दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक मास में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल गई। वहाँ पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक एक के बाद मृत्यु को प्राप्त हुई। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अरोही अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावास की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावास का चित्र बनाया और माता अरोही अष्टमी के चित्र के साथ रख कर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अरोही अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। अरोही अष्टमी व्रत का महत्व जानने के बाद जय माँ अरोही की। अरोही व्रत प्रातः सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि के बाद कुछ फल आदि खाते हैं, फिर मंदिर जाना अथवा घर के मंदिर में पूजा की जाती है। पूरे दिन निर्जला व्रत भी किया जाता है। शाम के समय बच्चों के साथ बैठकर अरोही अष्टमी माता की कथा की जाती है। दीवार पर अरोही अष्टमी माता की तस्वीर बनाते अथवा उनका कैलेंडर भी लगाते हैं।
शाम को तारे निकलते ही उनको जल व खाना अर्पित करके व्रत तोड़ा जाता है। जो भी व्यक्ति आरोही अष्टमी का व्रत करता है उसके अगर जाने अनजाने में जो भी पाप किए रहते हैं वो मुक्त हो जाता है, और माता अरोही के व्रत के प्रताप से और उनकी कथा सुनने से जो फल मिलता है व्यक्ति को बांझपन से, और जिन लोगों को पुत्र प्राप्ति की नहीं हो रही है उनको भी माता अरोही की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जिन बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता माता अरोही की कृपा से उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, उनका भविष्य उज्ज्वल हो जाता है। इतनी प्रतापी ये कथा है। आप लोग जो भी ये कथा सुनेगा उसका श्रवण करेगा उसकी माता अरोही समस्त मनोकामना को पूर्ण करती हैं। इसलिए बोलिए जय माता अरोही की जय। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा उसके लिए थैंक।